अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो 18 प्लस ऐसे परमानेंट प्लांट पर है जो कि आपके गार्डन में फ्लावर्स की कमी को पूरा करेंगे। अगर आपके गार्डन में प्रॉपर धूप नहीं आती, सूरज की प्रॉपर धूप नहीं आती, सिर्फ सनलाइट कह सकते हैं कि रोशनी खुली अच्छी जो रोशनी है वो रहती है सारा दिन, तो वहाँ पे आप इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। इन प्लांट्स को सारे दिन में सिर्फ 1 घंटे की भी धूप अगर ना मिले तो ये तब भी बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और कटिंग के ज़रिए आप इन प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स को आप रूट डिवीजन से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहले नंबर पर ये सनचेजिया प्लांट, उसके साथ है ये हमारा फर्न है और फर्न प्लांट है, और इसके साथ ही हमारे ये कोलियस देखें। इनको मैंने एक दीवार के साथ प्लेस किया हुआ है और वहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती, लेकिन रोशनी सारा दिन अच्छी खुली रोशनी रहती है। तो ये देखें, ये स्वीट पोटैटो वाइन की 3 वैराइटीज़ मेरे पास हैं और इनकी कटिंग्स मैंने छोटे छोटे से कप्स में लगाई हुई हैं। आपके साथ मैं इन कटिंग को ग्रो करना काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, और क्योंकि मैं तो इनकी कटिंग्स लगाती रहती हूँ, और जब भी मैं कोई प्लांट लाती हूँ तो नर्सरी से, मैं नर्सरी काफ़ी टाइम बाद जाती हूँ और बहुत कम प्लांट्स नर्सरी से मैं परचेस करती हूँ। जब भी कोई नया प्लांट लाती हूँ तो कोशिश करती हूँ उसी प्लांट को मल्टीप्लाई करने की कटिंग के थ्रू, जिस तरह से भी उसको प्रोपिगेशन उसकी हो सकती है उसको मल्टीप्लाई करती रहती हूँ और एक प्लांट से ढेरों प्लांट बनाती रहती हूँ। और कोलियस के साथ ये आयरिसिन का प्लांट है और इसको भी कटिंग से आप बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। पूरा साल इसकी कटिंग इजीली ग्रो होती है और पूरा साल ये बहुत ही खूबसूरत सा ग्रो होता रहता है। इसमें एक और भी मैरून से रेड कलर के इसके लीव्स वाली वैरायटी होती है, वो भी मैंने इस साल अपने गार्डन में ऐड की है और अभी उसका प्लांट छोटा है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद मनी प्लांट जो है ये भी बहुत इजी है, और ये प्लांट जो है इसके बारे में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये ग्रो तो बहुत अच्छा मेरे पास हो रहा है, लेकिन नर्सरी वाले ने इसका नाम जो बताया था वो मुझे सर्च करने पे तो नहीं मालूम हुआ, समरीना नाम कह रहा था नर्सरी वाला, क्योंकि उनके तो अपने नाम होते हैं जो उन्होंने अक्सर पौधों के रखे होते हैं, लेकिन सर्च करने पर मुझे मालूम नहीं हुआ। तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको इसका नाम मालूम हो। नेक्स्ट मनी प्लांट जो है उसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, ये सालों साल आपके पास चलने वाला प्लांट है। और इसके अलावा हमारे पास ये सिंगोनियम की मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं। सिंगोनियम भी बहुत ही खूबसूरत फोलियज वाला प्लांट है। आजकल तो इसकी बहुत सी इकसाम, छोटे पत्तों वाली, बड़े पत्तों वाली, और इसमें मुख्तलिफ वेरिएशंस और शेड्स भी आने लगे हैं। तो इसको भी आप कटिंग के ज़रिए बहुत ईजीली ग्रो कर सकते हैं। एक बार इस प्लांट को अगर आप अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो ये आपके पास कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्लांट हमारा ये मॉन्स्टेरा का प्लांट है। इसको मैंने पिछले साल ही अपने गार्डन में ऐड किया था। इसकी एक छोटी सी कटिंग मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट की थी और अब माशाल्लाह इसका काफ़ी बड़ा प्लांट हो चुका है, जिसको मैंने इसी मंथ में बकेट में 20 लीटर की बकेट में मैंने शिफ्ट कर दिया है ताकि अच्छे से ग्रो करे और ज़्यादा सा बड़ा सा ये प्लांट इसका हो जाए। नेक्स्ट जो फोलियज प्लांट है वो है ये वेंडरिंग ज्यू का प्लांट। इसकी छोटी से छोटी 1 से 2 इंच की कटिंग सिर्फ, जिसमें 1-2 लीफ नोड ही हों, उसको भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसको हैंगिंग्स में आप लगाएं या आप इसको ग्राउंड कवर के तौर पे ग्रो करें, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। नेक्स्ट है हमारा ये पेनीवर्थ का प्लांट, जो इस टाइम पे फ्लावरिंग पे आया हुआ है और इस पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। फ्लावर्स का साइज़ बिल्कुल छोटा सा है लेकिन काफ़ी क्यूट से लगते हैं जब ये फ्लावरिंग कर रहे होते हैं। तो ये भी सारा साल और हमेशा चलने वाला प्लांट है। बस ये है कि आप अपने प्लांट को थोड़े थोड़े अरसे बाद प्रोपिगेट करते रहें, उसको थोड़ा सा इसकी रूट्स के समेत इसका एक पीस जो है, मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर किया इसको किस तरह से अपने कटिंग्स लगानी
पानी है वो, तो इसको आप मल्टीप्लाई करते रहें तो कभी भी आपके गार्डन से ये ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा ये हर्बल फोलियज प्लांट, जो कि अपने पत्तों की खूबसूरती के साथ साथ इसका बेहतरीन हर्बल मेडिसन में यूज़ भी होता है। इसको कहा जाता है अजवाइन लीफ प्लांट। इसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है और अक्सर खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। नेक्स्ट हमारा प्लांट है ये पीस लिली का प्लांट, जिसको एग्लोनीमा की वैरायटी भी कहा जाता है, और इस पर फ्लारिंग भी होती है। वाइट कलर का इस पर फ्लार भी आता है, और इसको भी हम इजीली कटिंग और रूट डिवीजन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये रोहियो प्लांट, जिसको आप इजीली रूट डिवीजन से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। थोड़े दिन पहले ही इसकी बहुत सी कटिंग्स एक ही पॉट में मैंने ग्रो कर दी थी, और देखें उस टाइम पे इन पे दो दो तीन तीन लीव्स के अलावा कुछ नहीं था, और माशाल्लाह पूरा पॉट इन्होंने कवर कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा ये कलांचू की एक वैरायटी है, जिसको ईजीली आप लीव या कटिंग की थ्रू आप प्रोपिगेट कर सकते हैं, और इसके पत्तों पर शायद इस टाइम पर कोई इंसेक्ट अटैक हुआ है या स्नेल्स का अटैक है। तो नेक्स्ट मेरा ये स्पाइडर प्लांट है, दी मोस्ट ईजीएस्ट प्लांट, जो किसी टाइम में मेरे लिए बहुत ही मुश्किल प्लांट था, क्योंकि मैं इसको टोटल इंडोर प्लांट समझती थी। लेकिन अब ये चूँकि मैंने इसको रूफटॉप पे सेमी शेडेड प्लेस पे रखा है, तो कह सकते हैं ये बहुत ही इजी टू ग्रो है। इसका एक जंगल सा मेरे पास ग्रो हो चुका है। इनको पॉटर्स में ग्रो करें, हैंगिंग प्लांटर्स में ग्रो करें, पॉट्स में, छोटे छोटे से प्लांटर्स में भी अगर आप इनको ग्रो करें तो बहुत ही खूबसूरती से ये ग्रो करता है। और इस टाइम पे इस पर फ्लावरिंग स्टॉक्स बहुत ज़्यादा निकल रही हैं, जो थोड़े दिनों में इसके बेबी पप्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ये डेरेसिना का प्लांट, जिसकी दो वैरायटीज़ मेरे पास हैं, और ये कटिंग से मैंने कुछ दिन पहले ही ग्रो किया है, और कल ही मैंने इसको इस प्लास्टिक के वेस्ट मटेरियल में शिफ्ट कर दिया था। नेक्स्ट प्लांट है ये अस्पैरेगस पल्मोसस का फर्न है, जिसके फर्न की ब्यूटी इतनी ज़्यादा है। इसके लीव्स बिल्कुल बारीक बारीक सी नीडल्स की तरह लगते हैं, और ये बेल की तरह ग्रो होता है। मेरे पास ये प्लांट पिछले तकरीबन 5-6 साल से है, और इसी एक पॉट में है। मैंने इसको कभी रीपॉट नहीं किया, और हर साल विंटर्स के बाद दोबारा से इसमें नए नए सी लीव्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये बहुत ही जल्दी अपने पॉट को कवर कर लेता है। नेक्स्ट है ये वेंडरिंग ज्यू की ग्रीन वाली, प्लेन ग्रीन वाली वैरायटी, जो इस टाइम पे फ्लावरिंग पे आई हुई है, और बहुत ही खूबसूरत इसका फोलियज है। नेक्स्ट हमारा ये प्लांट जो है ये वाइट वेलवेट का प्लांट है, और इसको ग्रॉसमोर भी कहा जाता है। पर्पल हार्ट की ही फैमिली से है। इसकी छोटी छोटी कटिंग्स बहुत इजीली ग्रो हो जाती हैं, और बहुत जल्दी ये अपने पॉट को कवर कर लेता है, और ये भी सालों साल चलने वाला प्लांट है। इसको भी ज़रूर आप अपने गार्डन में ऐड करें। नेक्स्ट प्लांट हमारा जो है वो ये टर्टल वाइन है, जिसको एक छोटी सी छोटी 1-2 इंच की कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं, और दिनों में ये अपना जो पॉट है उसको कवर कर लेता है और कर लेती है, और ऐसा होता है कि इसका पॉट बाज़ुकात नज़र भी नहीं आता। तो आई होप आपको मेरे ये तमाम प्लांट्स पसंद आए होंगे, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर और उस पर कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।